भगवान गणेश के 10 दिवसीय पूजन का प्रारंभ सोमवार से शुरू हो गया। विघ्न विनाशक भगवान गणेश की स्थापना जनपद के विभिन्न पूजा पंडालों में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुई। सोमवार को जगह जगह भगवान गणेश की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा गणेश भक्तों के द्वारा श्रद्धापूर्वक की गई। गणपति बप्पा मोरिया के नारों से पूजा पंडाल गुंजायमान हो रहे थे। गणेश पूजन के दूसरे दिन यानी कि मंगलवार को महानगर के विभिन्न स्थानों पर सजे पंडालों में गणपति बप्पा मोरिया गूंज रहा था। भक्त बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाकर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। घासीकटरा स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में गोरखपुर गणपति महोत्सव की ओर से विशाल गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई है। गोरखपुर गणपति महोत्सव की ओर से प्रत्येक वर्ष किसी न किसी थीम पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है। गोरखपुर गणपति महोत्सव के उपाध्यक्ष मनोज अग्रहरी ने बताया कि इस बार जम्मू कश्मीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धारा 370 हटाए जाने के उपलक्ष्य में तिरंगे की थीम पर पंडाल सजाया गया है। साथ ही शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी जा रही है और हरियाली का भी ख्याल रखा गया है। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए गोरखपुर गणपति के उपाध्यक्ष मनोज अग्रहरी ने कहा, जगहरी उपाध्यक्ष गोरखपुर गणपति महोत्सव। देखिए, हमारी गोरखपुर गणपति महोत्सव ये हम लोगों ने 2002 से स्टार्ट किया था। आज 2019 है, आपका 17वां वर्ष हम लोग का है ये। और ये प्रतिवर्ष ही हम लोग अलग अलग कलर की थीम मंगाते हैं और इस बार धारा 370 हटने के उपलक्ष्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं उनकी अगुवाई में हम लोगों ने तिरंगा का एक संदेश देने का उद्देश्य दिया है, जो कि तिरंगे के रूप में हम लोगों ने पंडाल पूरा सजाया है और जो जितने जवान जो शहीद हुए हैं सबके प्रति हम लोग को विनम्र श्रद्धांजलि जो है दी जाएगी। और आज आपका हमारा दूसरा दिन है। दूसरे दिन हम लोगों ने पर्यावरण को देखते हुए वृक्ष प्रसाद का वितरण माननीय संरक्षक गोरखपुर हैं उनके द्वारा किया जाएगा।